सो तीन ऐसी वेबसाइट्स का मैं नाम बता दूं जहाँ पे तुम्हें यूपीएससी टॉपर्स की आंसर शीट्स मिलेगी। सबसे पहले विजन है, देन दृष्टि है, देन फोरम आईएएस है। तीनों बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा और भी कई वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी, लेकिन तुम यहाँ पे जाओगे मोर देन इनफ है। सो तुम्हें गूगल पे सिंपली सर्च करना है यूपीएससी टॉपर्स आंसर शीट्स विजन आईएएस, और फिर तुम वहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर तुम इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। पहले वीडियो देख लो, एंड में चले जाना, वरना काफी सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी तुमसे। सो तुम ऊपर से नीचे सर्च करोगे, हजारों टॉपर्स की इन्होंने डाली हुई होंगी, और यहाँ पे जीएस 1, 2, 3, 4 अलग अलग ऑप्शनल्स की तुम्हें मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम की मिल जाएगी। तो तुम स्लाइड करके देखोगे ना, बहुत सारे टॉपर्स रैंक 1, 2, 3 पता नहीं कितने सारे टॉपर्स की तुम्हें आंसर शीट मिल जाएगी नीचे। मैं कह रहा हूँ तुम स्लाइड करते करते थक जाओगे, ये खत्म नहीं होंगे। एंड तुम एक हैबिट बनाओ कि एक दिन में एटलीस्ट एक आंसर शीट देखो, उससे नो एक स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में जाएगा कि आंसर्स कैसे होते हैं। फिलहाल मेरा भी सेम ही रूटीन है, मैं कोचिंग सेंटर जाते टाइम, आते टाइम मेट्रो में ये चीज़ पढ़ लेता हूँ, कई बार फिर घर पर फ्री टाइम मिलता है तो पढ़ लेता हूँ। तो तुम भी पढ़ा करो, हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। और ये चीज़ ना तुम्हें कोई टॉपर्स नहीं बताते, कोई स्टूडेंट्स नहीं बताते, कोई टीचर्स भी नहीं बताते। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पता चल जाती है, लेकिन वो बताते नहीं है बाकी स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताते भाई, जिनके साथ वो डेली आते जाते होंगे ना कोचिंग में, उन्हें भी नहीं बताते, क्योंकि उनके अंदर यूँ रहते हैं कि हाँ यार मतलब ये हमसे आगे ना निकल जाए। और मैंने चेक करने के लिए ना अपने कोचिंग सेंटर में 3-4 बच्चों को बताई थी ये चीज़, ठीक है, तो वो उस टाइम तो खुश हो गए, मज़ा आ गया। फिर मैंने उन्हें बोला मगर मैंने तुम्हें बता दिया, तो क्लास में खड़े हो गए सबको बता दे, कहते नहीं नहीं। सो ये है, नॉर्मल है, लेकिन ये चीज़ जो बच्चे घर से तैयारी कर रहे हैं ना खासकर, उनके बहुत ज़्यादा काम आएगी। सो इसमें से कोई सी आंसर शीट खोल के देखते हैं। और जब तुम इस पर विजन वाले पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे कुछ अमेजोन लिखा आएगा, तो उसे भी मैं सोचना कि अमेजोन पे शिफ्ट हो रहा, नहीं वो आंसर शीट ही खुलेगी। सो जैसे आंसर शीट खुल गई, तो इसको तुम अपना नीचे स्लाइड करोगे, तुम देखोगे यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है पूरा। और तुम्हें ना एक काम करना चाहिए, तुम ना एक रजिस्टर बनाओ, ठीक है, दो रजिस्टर बनाओ, एक बनाओ जीएस का और एक बनाओ ऑप्शनल का, ठीक है। एक रजिस्टर में तुम लिखो, उसके चार पार्ट कर देना, जीएस 1, 2, 3, 4, एक बनाओ ऑप्शनल का। सो दोनों जीएस में ना जितने भी तुम्हें कीवर्ड्स मिले यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम्स मिले, कोई इंपॉर्टेंट सा डाटा मिल जाए, कोई फ्लो चार्ट मिल जाए, कुछ भी कोड्स मिल जाए अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो नोट डाउन कर लो, बिकॉज मेन जो आंसर राइटिंग है ना वो कीवर्ड्स ही है। अब तुमने यार 250 वर्ड का आंसर लिखा है, एग्जामिनर सारा थोड़ी पढ़ेगा, एक एक वर्ड थोड़ी पढ़ने बैठा वो मेन देखेगा क्या कीवर्ड है, क्या लिखा हुआ, क्या चीज़ें अंडरलाइन की हैं, क्या इन्वर्टेड कोमा में डाला हुआ है, ठीक है, वो उन्हीं चीज़ों पर नजर जाती है, उनकी वो इतना टाइम किसी भी नहीं है भाई कि वो तुम्हारा एक एक चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पे। सो अपने कीवर्ड्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि तुमने किताब बहुत अच्छे से पढ़ ली तो अच्छे आंसर लिखे जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। किताब तो यार मतलब फॉर एग्जाम्पल बिपिन चंद्र है, तुमने अगर मैं कह रहा हूँ 2-3 बार भी पढ़ी होगी, मैं आप ऐसे ऐसे बच्चे दिखा दूँगा 20-20 बार पढ़ के बैठे हूँ, 30 बार पढ़ के बैठे हूँ, किताबें फट रही हैं उनकी। मेन होता है कीवर्ड्स, आंसर का स्ट्रक्चर कैसा है, इंट्रोडक्शन कैसा है, मेन बॉडी कैसी है, कंक्लूजन कैसा है, ठीक है। सो वो चीज़ें तुम यहाँ से सीख जाओगे, जो आंसर्स देखोगे ना इन्हें पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो अलग अलग टॉपर्स के, ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे चीज़ों को, सीखोगे, समझोगे, जानोगे। सो एक अच्छा आंसर तुम भी लिख पाओगे फिर कुछ टाइम बाद, ओके। और ये है दृष्टि की वेबसाइट, यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे भी काफ़ी सारे टॉपर्स के आंसर शीट्स हैं। ये फोरम की वेबसाइट है और यहाँ पे भी काफी सारे आंसर शीट्स हैं। एंड जो बच्चे खासकर घर से पढ़ रहे हैं ना, तुम तो करो, बिल्कुल करो, बिकॉज कोचिंग सेंटर पे ना मेन फोकस दिया जाता है आंसर राइटिंग पे, उन्हें बार बार बोला जाता है वो, अगर तुम कोचिंग सेंटर में आंसर राइटिंग नहीं करते हो ना तो तुम औरों को देख के करने लग जाते हो, ठीक है, यहाँ पे माहौल ही ऐसा है, वरना टीचर तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, आंसर लिखो। सो इसलिए तुम करने लगते हो। तो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं ना, उन्हें आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस पता ही नहीं चल पाती, वो अपना किताबें पढ़ते रहते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसे किया करो। देखो अगर मान लो, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि ये चीज़ जरूरी की बात, अगर मान लो विराट कोहली किसी क्रिकेटर को खेलते हुए ना देखे कभी, सिर्फ अपना किताबों से पढ़े कि यार क्रिकेट में ऐसे शॉट्स लगाए जाते हैं, कवर ड्राइव ऐसे मारे जाते हैं, ये ऐसे किया जाता है, वो ऐसे किया जाता है, और अपना जाके नेट में प्रैक्टिस करने लगे, क्या वो उतना बढ़िया खेल पाएगा? नहीं ना। वो बढ़िया तब खेलेगा जब वो औरों को खेलता हुआ देखेगा कि बाकी प्लेयर्स ऐसा खेल रहे हैं,
ऐसी बोल आई तो उसने ऐसा लपेट दिया, वैसा लपेट दिया, ठीक है। तो आप औरों से देख के ना सीख सकते हो, और ये भी क्रिकेट की तरह ही है। यहाँ पे भी तुम इनको खेलते हुए देखो, टॉपर्स को कैसे आंसर्स लिख रहे हैं, किस क्वेश्चन को कैसे लिख रहे हैं, और स्पीड बनाओ अपनी। खासकर जो बच्चे घर से लिखते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि आंसर्स होते कैसे, स्टैंडर्ड कैसा होता है यूपीएससी के आंसर्स का। तुम जो भी लिख रहे हो, तुम्हें कोई टीचर्स नहीं है तुम्हारे पास उन आंसर्स को चेक करने के लिए, कोई यू नो एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट नहीं है कि वो आंसर चेक करके बता दे। तुम अपना जो भी लिख रहे हो सकता है तुम्हें सही लग रहा हो सकता है तुम्हें हमेशा गलत लगता हो। सो तुम यहाँ पे जाओगे, आंसर्स को देखोगे, इन्हें समझोगे काफ़ी टाइम तक, तुम्हें एक दिमाग में एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा कि यूपीएससी के आंसर्स ना इस लेवल के होते हैं, ठीक है। तो आदत डालो भाई अपना, एटलीस्ट चलो एक क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं निपट रहा दिन में, 10 आंसर्स तो देख लो कम से कम। सो यार दैट्स इट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके काम आई हो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, एंड और भी कई सारे वीडियोस मैंने डाली हुई हैं अपने चैनल पे, सो वहाँ पे तुम देख सकते हो, सारे मतलब काम की हैं ऑलमोस्ट, एटलीस्ट आई थिंक सो। सो वो तुम्हें काम आएंगी अलग अलग यू नो आस्पेक्ट्स में, सो जाके वो एक बार उन्हें चेक कर सकते हो। एंड मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू, शव यू, जिंदा रहो, आबाद रहो, एंड सदा सुहागन रहो, जीते रहो, फूलो फलो, खेलो, मजे मारो, ऐश करो। वाह वाह, क्या बात कही आपने, जबरदस्त, मजा आ गया।